कंप्रेसर ही मेरा सर्कुलेट करता है रेफ्रिजरेंट को थ्रू आउट होल द सिस्टम, मतलब कि कंप्रेसर से जो प्रेशर क्रिएट होगा उससे मेरा कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से मेरा एक्सपेंशन कॉइल में जाएगा, उसके बाद मेरा इवेपोरेटर में जाएगा। तो सबसे पहले कंप्रेसर में तो क्या होता है, आप देखो कंप्रेसर में मेरा रेफ्रिजरेंट जाता है, वहाँ पर वो सेचुरेशन टेम्परेचर अचीव करता है, उसका प्रेशर हाई हो जाता है जिसके कारण वो सेचुरेशन टेम्परेचर अचीव करता है। तो मैं आपको बता दूँ सेचुरेशन टेम्परेचर होता क्या है, तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स और कंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा उस रेफ्रिजरेंट को सेचुरेशन टेम्परेचर मिल जाता है, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तभी वो सेचुरेशन टेम्परेचर अटेन किया। उसके बाद जो इंक्रीज प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर फिर रिसीवर। तो गाइस कंडेंसर में जा करके उसका जो टेम्परेचर होता है कंडेंसर में वो नीचे डिक्रीज हो जाता है, मतलब कि उसका टेम्परेचर हाई रहता है कंप्रेसर में, फिर कंडेंसर में जाता है तो उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। लो कैसे होता है, सी वाटर कूलिंग हम लोग करते हैं, मतलब कि 35 to 32 degrees Celsius अचीव हो जाता है टेम्परेचर। जैसे सी वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, तो उतना ही अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा टेम्परेचर लो हो गया लेकिन प्रेशर एज इट इज उतना ही प्रेशर रहा, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सेचुरेशन टेम्परेचर जो होता है उससे फिर मेरा सब कूलिंग टेम्परेचर में आता है, सब कूलिंग कंडेंसर में। उसके बाद मेरा कंडेंसर के बाद वो जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके बाद मेरा एक्सपेंशन कॉइल में जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसको इनफ स्पेस मिलता है जिससे कि उसका टेम्परेचर जो होता है प्रेशर जो होता है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है वहाँ पर। उसके बाद इवेपोरेटर कॉइल मेरा होता है कंपार्टमेंट, जो कि हम लोग बेसिकली मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मिड रूम, वेज रूम, फिस्ट रूम जो भी होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट का अलग टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर जाता है। जैसे वेज रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 10 to 15 degrees Celsius। उसके बाद मिड रूम का होता है -5 degrees Celsius। उसके बाद फिस्ट रूम का होता है -15 to -20 degrees Celsius। तो ये सब का अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, थर्मोस्टेटिक वाल्व होता है, बहुत सारे सोलेनॉइड वाल्व होता है, थर्मोस्टेट होता है, मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। तो बेसिकली आपको एक आइडिया मिल गया, सबसे पहले कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर से मेरा रिसीवर में, कंडेंसर में, उसके बाद मेरा एक्सपेंशन कॉइल में जाता है, एक्सपेंशन कॉइल से मेरा इवेपोरेटर में, मतलब कि रूम कंपार्टमेंट में जाता है। फिर वहाँ कंपार्टमेंट में जा करके उसको कूल करेगा, कंपार्टमेंट में जितना भी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का उतना टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पर, और वहाँ पर क्या होता है कि वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि वेज रूम में क्या, वेज रूम में अगर वहाँ पर हीट है, वहाँ ऑब्वियसली हीट होगा ही, क्योंकि वो हीट बॉडी को कूल कर रहा है, मतलब कि वहाँ का हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एब्जॉर्ब करेगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ही, वो टेम्परेचर बढ़ेगा फिर प्रेशर घटेगा, वो कहाँ जाएगा, फिर कंप्रेसर में, ऐसे उस वो साइकिल चलते रहेगा। तो इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो इसी प्रिंसिपल पर मेरा रेफ्रिजरेटर काम करता है, द रेफ्रिजरेशन वर्क्स ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो याद रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं उसका सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोमेटिक फ्यून सिस्टम। तो देखते हैं ऑटोमेटिक फ्यून सिस्टम क्या होता है। तो गाइस ये रहा मेरा ऑटोमेटिक फ्यून सिस्टम का डायग्राम। ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो सारा वर्किंग है वो ऑटोमेटिक है, इसमें जो सोलेनॉइड लगा, सेंसर लगा, वो सब ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू। तो गाइस इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा LP कंट्रोल और HP कंट्रोल। तो गाइस बेसिकली LP कंट्रोल जो होता है मेरा, अगर मेरा इसको हम लोग क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग का स्टॉपिंग का जो कंप्रेसर होता है उसको स्टार्टिंग स्टॉपिंग के लिए LP कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें देखिए सेंसर से लगा रहता है, मास्टर सोलेनॉइड रहता है, फिर उसके बाद तो ये मेरा होता है LP कंट्रोल जो होता है यहाँ पर, इससे हम लोग कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं बाय चेंज इन प्रेशर। और यहाँ पर एक HP हाई प्रेशर कट आउट है, ये हैंड रीसेट होता है, वो हम लोग शट डाउन कर देते हैं अगर मेरा कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर हाई हो गया, तो इसको हम लोग हैंड रीसेट करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। शट डाउन हो जाता है उसको, फिर हम लोग को हैंड रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कंप्रेसर है, सबसे पहले बेसिकली ये जो रेफ्रिजरेंट सप्लाई करता है वो वेरियस कंपार्टमेंट में, जैसे मैं आपको बताया था वेरियस कोल्ड कंपार्टमेंट, जैसे मिड रूम, फिस्ट रूम, वेज रूम, इवेपोरेटर जहाँ लगा होता है यहाँ पर सप्लाई करता है।
किसके थ्रू? थर्मोस्टेटिक कंट्रोल सोलेनोइड, ठीक है। इसमें सोलेनोइड लगा होता है, आगे मैं बता रहा हूँ सोलेनोइड क्या कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, तो मान लीजिए कि हर एक कंपार्टमेंट का अपना अलग सोलेनोइड होता है, ठीक है। अगर एक मतलब कि एक कंपार्टमेंट का मेरा टेम्परेचर डाउन हो गया, मतलब कि जितना हमको रिक्वायरमेंट था उससे धीरे धीरे कम होते जा रहा और कम होते जा रहा, तो वहां पर क्या होता है कि वो सोलेनोइड है वो कट ऑफ कर देता है रेफ्रिजरेंट को। सोलेनोइड मेरा सेंस करेगा, सोलेनोइड मेरा ये देगा सिग्नल देगा कि इसको कट ऑफ करना है रेफ्रिजरेंट, इसमें अब नहीं चाहिए। तो यहाँ से सोलेनोइड मेरा कट ऑफ करता है, तो उसके बाद रेफ्रिजरेंट मेरा वहां पर नहीं जाता है, ठीक है। सोलेनोइड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा थर्मोस्टेटिक स्विच लगा है, वो सोलेनोइड को सिग्नल देता है, सोलेनोइड क्या करता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को बंद कर देता है। अगर मेरा सारे कंपार्टमेंट का टेम्परेचर अटेन हो गया और वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेगा कि वो एक सिग्नल देगा किसको, एलपी कंट्रोल को। एलपी कंट्रोल को सिग्नल देगा कि अब हमें रेफ्रिजरेंट नहीं चाहिए, तो क्या होता है कि कंप्रेसर बंद हो जाता है। और फिर अगर उसके बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा कंपार्टमेंट्स का, तो क्या होता है कि जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट वहाँ सेंसिंग बल्ब लगा है, वो थर्मोस्टेट को मेरा सेंस सिग्नल देगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अब हमें रेफ्रिजरेंट की रिक्वायरमेंट्स है। तो वो फिर से सोलेनोइड क्या करेगा, ओपन हो जाएगा, जिससे कि मेरा रेफ्रिजरेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे फ्लो होना स्टार्ट होगा, वो एलपी कंट्रोल को मेरा सिग्नल देगा, तो वो क्या करेगा कि रेफ्रिजरेट जो कंप्रेसर है उसको फिर से रिस्टार्ट कर देगा। रिस्टार्ट करेगा तो फिर से मेरा सर्कुलेशन होगा रेफ्रिजरेंट का, उसके बाद कंपार्टमेंट में हम लोग का रेफ्रिजरेंट जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तो बस एक कंपार्टमेंट दिखाया, एक ऑपरेटर दिखाया, जैसे कि ये कंपार्टमेंट मान लो कि हो गया वेज रूम का, उसका ऐसा ही डिट्टो कंपार्टमेंट होगा फिश रूम का, फिर मीट रूम का। तो ये बस एक कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, ये क्या काम करता है दोस्तों, ये क्या करता है कि अमाउंट को कंट्रोल करता है, मतलब कि कितना टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग कितना रेफ्रिजरेंट चाहिए, कितना रेफ्रिजरेंट का रिक्वायरमेंट है। तो गाइस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ मास्टर कंट्रोल वॉल्व लगा हुआ है, मास्टर सोलेनोइड लगा हुआ है। ये क्या करता है कि अगर बाई चांस मेरा कंप्रेसर डैमेज हो जाए, कोई फॉल्ट के कारण मेरा कंप्रेसर बंद हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है फ्लडिंग से, जो मेरा फ्लडिंग होता है बाई रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, तो उससे मेरा प्रिवेंट करता है ये मास्टर सोलेनोइड। तो यहाँ पर आपको एक ही कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा तीन कंपार्टमेंट होता है, जितना भी रिक्वायरमेंट उतना कंपार्टमेंट होता है। और उसका कंपार्टमेंट का जो आप देख रहे हैं सेंसिंग बल्ब, थर्मोस्टेटिक स्विच, सोलेनोइड, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व, ये सब सबका अलग अलग रहता है, सबका सेपरेट रहता है, सबका सेपरेट सोलेनोइड रहेगा, सबका थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व रहेगा, सेंसिंग बल्ब रहेगा, ये सब मतलब सबका अलग अलग रहता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑपरेटर के बाद यहाँ पर लाइन गया है, वो लाइन डायरेक्ट कंप्रेसर में चले गया, ठीक है। इसके आउटलेट पे भी सेंसिंग बल्ब लगा हुआ है और इसके इनलेट पे भी सेंसिंग बल्ब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ सेंसिंग बल्ब है और यहाँ पर आउटलेट पे सेंसिंग बल्ब है। दोनों का डिफरेंस चेक करता है और उसका सिग्नल कहाँ देता है मेरा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व में, जिसके कारण ये डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट रेफ्रिजरेंट यहाँ पर चाहिए उस टेम्परेचर को अटेंड करने के लिए, समझ गए। तो ये बेसिकली थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व का काम होता है। उसके बाद जाता है फिर मेरा कंप्रेसर में फिर उसका साइकिल फिर से रिपीट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर से गया मेरा कंडेंसर से, यहाँ हम लोग पर्जिंग कर सकते हैं, अगर मेरा एयर आ चुका है रेफ्रिजरेंट में तो यहाँ से हम लोग पर्ज कर सकते हैं, ये मेरा पर्जिंग का वॉल्व है। उसके बाद रिसीवर में जा करके रिसीवर से फिर मास्टर सोलेनोइड होते हुए ड्रायर, यहाँ पर ड्रायर सिलिका रहता है यहाँ पर, जिससे कि अगर मेरा वाटर कंटेनर है तो उसको ड्राई कर सके रेफ्रिजरेंट में। और उसके बाद सिफोन ग्लास रहता है, सिफोन ग्लास में हम लोग देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट का नेचर, मतलब कि वो सही है कि नहीं रेफ्रिजरेंट। उसके बाद यहाँ दो लाइन दिखाया गया है, वो अलग दो कंपार्टमेंट के लिए है और ये एक ही कंपार्टमेंट इसमें दिखाया गया है, नहीं तो डायग्राम थोड़ा लेंदी हो जाता, आप लोग खुद से बना सकते हो, अगर बड़ा स्पेस मिले आप लोग खुद की कॉपी में बना सकते हो, नोटबुक में बना सकते हो। यहाँ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू मेरा ऑपरेटर में चले गया, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया आई थिंक, अगर आपको फिर से डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये रहा मेरा दोस्तों वेपर कंप्रेशन साइकिल और ऑटोमेटिक फ्रियोन सिस्टम।
आपको आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके रेफ्रिजरेशन में क्या क्या फॉल्ट होते हैं, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों मेरे चैनल को, और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ फिर से आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।